छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। इससे पहले हमारे बड़े भाई सत्यम भैया का कार्यक्रम हुआ, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ सत्यम भैया को, और एक बड़े भाई की तरह वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो दिल से प्रणाम। ये महोत्सव जब भी होता है तो ऐसे लगता है कि ये कार्यक्रम नहीं, ये एक इतिहास की तरह आप लोग इसको बना देते हैं। चलिए, जैसे यहाँ से खेसरिया शुरू किया कि नींबू खर बुझा भइल मैडम, तब तक ले इधर से 500 का नोट खींच दिया। मैं पिछली बार भी आया था, आज से 2 साल पहले की बात है, तो उस समय कुछ गड़बड़ा गया था, लेकिन इस साल ठीक ठाक लग रहा है। उस साल थोड़ा सा इधर बहुत ज़्यादा भीड़ था, इधर भी ठीक था। इस बार जिला प्रशासन को दिल से थैंक यू कि इस बार की व्यवस्था उस समय से बहुत बेहतर है। लोगवा तो वह है, हाँ बाबू, आप लोग देखिए, आप लोग भगवान की तरह, और भगवान उपद्रव नहीं करते। आप सब हमारे लिए ईश्वर देवता रूपी समाज श्रोता है, और आप लोग इंजॉय जितना चाहिएगा मैं कोशिश करूंगा, मैं आया हूं उसी के लिए, बट उपद्रव मत करिएगा। हम इसलिए पहले ही कर दिए कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, तो इस शब्द के साथ आप लोगों को अपनी गरिमा को बरकरार रखनी पड़ेगी, ठीक है ना? ठीक है। और मेरे जिला प्रशासन के जितने भी लोग हैं, हमारे डीएम साहब नावेद भाई जो कि सुबह से हम लोगों के साथ, इससे पहले हमारे बड़े भाई सत्यम भैया का कार्यक्रम हुआ, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ सत्यम भैया को, और एक बड़े भाई की तरह वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो दिल से प्रणाम। ये महोत्सव जब भी होता है तो ऐसे लगता है कि ये कार्यक्रम नहीं, ये एक इतिहास की तरह आप लोग इसको बना देते हैं, और हर साल हर कलाकार आकर आप सबका प्यार आशीर्वाद दुलार सनेह लेकर जाता है। ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोग मुझे इस लायक समझते हैं। जिंदगी में हमारी कमाई आप ही सब हैं, आप लोग ऐसा एटीएम है कि खेसरिया को नंबर डालने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे यहां से खेसरिया शुरू किया कि नींबू खर बुझा भइल मैडम, तब तक ले इधर से 500 का नोट खींच दिया, तो वो होता है। आप लोगों का प्यार जो है ना, आप लोग चलता फिरता बैंक है मेरे लिए। तो जिंदगी में ऐसा उद्योगपति आप लोगों ने नहीं देखा हो, मैं अपने आप को महसूस करता हूं। आप लोग यही से हैं, कोलकाता से ही हो, क्या नाम है आपका? सुष्मिता, बहुत प्यारी है आप, देखिएगा मेरे साथ आज कोई हीरोइन नहीं है, तो आज आप लोगों के साथ ही मैं जो भी करना होगा करूंगा। कभी कभी आप लोगों के पास आऊंगा, थोड़ा सा टच भी करूंगा, आपको फील आएगा जो कोई अच्छा इंसान छू रहा है आपको। ऐसे मेरे नियत गंदे हो सकते हैं, मेरा इरादा गलत नहीं है। थैंक यू। हम लोग जो भी करते हैं आप सबके मनोरंजन के लिए ही करते हैं। अब देखिए अब मैं कोई धीरेन्द्र शास्त्री तो हूं नहीं कि मैं प्रवचन करूंगा। आप लोग जिसके लिए बुलाए हैं, मैं कोशिश करूंगा कि हर चीजों से आपका मनोरंजन करिए, अपने बातों से, अपने गायकी से, अपने डांस से, अपने कला से। ऐसे मैं 3 तारीख को धीरेन्द्र शास्त्री बाबा के बागेश्वर धाम के धाम पे मेरा कार्यक्रम है, मैं जा रहा हूं 3 को, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। लोग कहते हैं कि खेसरिया अश्लील गा देता है। अच्छा ये बताइए,
खेसरिया अश्लील गाता तो मेन पार्ट महोत्सव इतने सज्जन लोगों का है, यहाँ क्यों आता खेसरिया? जिंदगी में एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, हर चीज की मैंने एगो एगो तो बर्फ पड़ल ऊपर से तू पंखा चला दे, तू हमारे हित हो कि दुश्मन भाई, एक के हटाना दो है ने कोनी ऊपरवा से का हमार, हाँ सामने रखो, हाँ बहुत अच्छा केने बड़ो। तो जिंदगी में अगर धर्म की जरूरत है तो कर्म की भी जरूरत है, अगर स्वस्थ भोजन की जरूरत है तो मटन चिकन भी चाहिए, तो जिंदगी में टाइम टाइम से हर चीज खाना चाहिए। तो मैं मटन चिकन वाला हूँ, कभी कभी स्वस्थ भोजन भी करा देता हूँ, ऐसा नहीं है।